मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। देखिए बेटा, ये जो हमारा जो लेसन है तीसरा, वो है कौन सा है आप बताइए कि किशोरावस्था की समस्या और उनका प्रबंधन, किशोरावस्था की समस्या और उनका प्रबंधन या समाधान। तो हमने किशोरावस्था में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, कौन कौन सी, तो इनके बारे में हमने जाना था। देखिए ये चार्ट मैंने आज आपको इसको दोबारा दिखा दिया गया है, डिटेल आपको नहीं दिखाऊंगी लेकिन आपको चार्ट बता दिया है, एक बार आप रिवाइज कर लेंगे इसको साथ में। तो देखिए किशोरावस्था की प्रमुख समस्या कौन कौन सी हैं, तीव्र शारीरिक वृद्धि में से समायोजन, यानी शरीर के अंदर जितनी भी वृद्धि होती है अचानक से और उसके अंदर जो हमारा समायोजन है वो किस प्रकार से बच्चे करें, इससे संबंधित बातें दे रखी हैं। स्वतंत्रता व नियंत्रण की कशमकश, इसमें देखिए कि माँ बाप आपको स्वतंत्र तो छोड़ते हैं लेकिन साथ में आपके ऊपर नियंत्रण भी रखते हैं, इन दोनों के बीच में आपका जो मानसिक संतुलन है वो लगभग गड़बड़ा जाता है, इसलिए आप परिस्थिति के बीच में आ जाते हैं। अगला देखिए उपचार और अपराध क्या है, यह आज हम पढ़ेंगे। धूम्रपान और मादक पदार्थों का सेवन, ये भी देखिए, तनाव और अवसाद से संबंधित है, ये यौन समस्या से संबंधित है, तो ये आपको दिख रहे हैं। हमने इनके बारे में कल था वो डिटेल से बातचीत की थी, कुछ बचे हुए थे हमारे, आज हम उनको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान से देखिए कि किशोरावस्था के अंदर कौन कौन सी समस्याएं हैं, यदि आप आराम से बैठकर सोचोगे तो आपको पता चल जाए कि हमारे साथ कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो देखिए आगे, ये देखिए हमारा पांचवा पॉइंट है, धूम्रपान एवं मादक पदार्थों का सेवन। किशोरावस्था में पहुँचते उनमें धूम्रपान व मादक पदार्थों, शराब, तंबाकू, नशीली दवा का सेवन करने की तरफ झुकाव हो जाता है। ये होता है, बच्चे इसको शौक समझते हैं कि कोई बात नहीं है, आज करते हैं, लेकिन देखिए आपको पता है पर डे उस चीज़ का सेवन करना हमारे लिए लत बन जाती है और लत एक दिन आदत में बदल जाती है। जैसे आप चाय कॉफ़ी पीते हो, थोड़ा लेते हो, थोड़ा थोड़े से फिर आप उसकी जो मात्रा है वो भी बढ़ जाती है और धीरे धीरे हमें आदत आदि हो जाती है, हम उस चीज़ की आदत हो जाती है। इसलिए धूम्रपान एवं मादक पदार्थों का सेवन, दोनों चीज़ें आ गई हैं इसमें, धूम्रपान और मादक पदार्थों का सेवन। किशोरावस्था में पहुँचते इनमें धूम्रपान व मादक पदार्थों का सेवन करने की तरफ झुकाव हो जाता है। देखिए आप घर में से लड़ाई झगड़ा करके आते हो, मान ले किसी बात पे अनबन हो जाती है माँ बाप से, तो आपसे थोड़े से बड़े उम्र के बच्चे होते हैं तो वो पता आपको क्या कहते हैं कि थोड़ी सी शराब पीने से आप गम को भूल जाओगे, घर वालों की लड़ाई झगड़े को भूल जाओगे, ऐसे करोगे वैसे करोगे, या फिर अपने शौक़ के लिए, जैसे शराबी बच्चे होते हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा कि ले लीजिए कुछ नहीं होता सिखा देते हैं, ये सब चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं। दूसरा पॉइंट इसी के अंदर है, देखिए कि किशोर कभी कभी शिक्षा या व्यापार में असफल होने, प्रेम में असफल होने, माता पिता या शिक्षक की डांट फटकार, स्वयं को अकेला समझना, इन सभी के प्रति विरोध दिखाने के लिए भी मादक पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं। ये चीज़ देखिए आपको, ये मैंने अभी आपको बताई है, वैसे आपको समझ में आ गया होगा किशोर मान लो जवान बच्चा है, बिना वैसे तो वो माँ बाप से लड़ नहीं सकता, या तो फिर वो शिक्षा में फैल, जैसे आपने देखा होगा BA MA या बड़ी जो कोई भी कोर्स करते हो, आप घर से निकलते हो प्लस टू करने के बाद में, अगर कोई कोर्स करते हो उसमें आप फेल हो जाते हो किसी कारणवश, तो आप इन आदतों के शिकार हो जाते हो, या व्यापार करने वाले बच्चे, बिजनेस करने वाले बच्चे हैं या व्यक्ति हैं, उनके व्यापार में घाटा हो जाता तो भी वो इस आदि हो जाते हैं, प्रेम में असफल होने, या ये चल रहा है, पर्सनल है वैसे होना नहीं चाहिए लेकिन चल रहा है, इसमें भी असफल होने पर, या माता पिता शिक्षक की डांट फटकार से होता है, तो आप माँ बाप का वैसे सामना नहीं करते हो लेकिन जब इन मादक पदार्थों का क्या कर लेते हो, सेवन कर लेते हो, तो आप उनको गलत लफ्ज बोलना, गलत बातें बोलना, ये सब बोल देते हो नशे में होकर, तो इसलिए आप माँ बाप का विरोध करने के लिए भी इन चीज़ों का आप क्या लेते हो, सहारा लेते हो। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि धूम्रपान और मादक पदार्थों का सेवन बच्चे किस प्रकार करते हैं और क्यों करते हैं, क्योंकि इस उम्र में कुछ झुकाव हो जाता है, कुछ परिस्थितियाँ हो जाती हैं, लेकिन हमें अपनी हर परिस्थिति को अपनी बौद्धिक क्षमता से, बुद्धि से, समझ से उनका सामना करना चाहिए, लेकिन इन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए
अपने परिवार के लिए, आसपास के वातावरण के लिए हानिकारक है। ठीक है, आगे देखिए। अगला है अपराध व अपचार। तो दोनों चीज़ें दी हुई, ध्यान से देखिए। अपचार और अपराध, कोई बात नहीं, आगे पीछे हो जाए तो। समाज के नियमों को न मानना तथा हिंसात्मक व्यवहार करना ही अपराध या अपचार कहलाता है। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, एक नंबर का, इसको आप ध्यान रखिए। मोस्ट लिख लो, मोस्ट, ये मोस्ट है कि अपराध या अपचार क्या होता है। तो समाज के नियम के को न मानना, यानी समाज हमारे घर में जो नियम बने हुए हैं उनको नहीं मानना, उनके विरुद्ध कार्य करना या हिंसात्मक व्यवहार करना ही अपराध या अपचार कहलाता है। किसी से मार पिटाई कर जाना, किसी का मर्डर कर देना, किसी के घर से चोरी कर लेना, ये सब चीज़ें ये अपराध की श्रेणी में आ जाती हैं। अर्थात समाज के नियमों को नहीं मानना, मानता है, नहीं मानता वही अपराधी होता है। यानी समाज के जो नियम हैं उनको यदि कोई नहीं मानता है तो वो क्या होता है, अपराधी कहलाता है। देखिए आगे, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, यानी एक मनोवैज्ञानिक क्या मानते हैं इस चीज़ को कि कोई व्यक्ति जन्म से ही अपराधी नहीं होता, न ही समाज के विरुद्ध आचरण करना एक रात में ही सीखता है। परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति अपराधी बनता है। इस चीज़ को कुछ हद तक हम समर्थन करते हैं कि बच्चा जन्म से पैदा नहीं होता अपराधी, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ उसके सामने आ जाती हैं। मान लीजिए कोई बच्चा भूखा है और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो क्या करेगा? अब वैसे तो उसको कोई देगा नहीं, तो वो क्या करेगा, चोरी करेगा। लेकिन कोशिश करो आप कि ऐसी परिस्थितियाँ न खड़ी हों, आप मेहनत करके खाएं, किसी के चोरी करके, किसी का मर्डर करके पैसे न कमाएं, कोई गलत कार्य न करें जिससे आपके माँ बाप को ठेस पहुँचे, हमारे समाज को ठेस पहुँचे या आपके स्वयं के स्वाभिमान को ठेस पहुँचे, तो ऐसे कार्य न करें। ये परिभाषा आपको याद रखनी है कि ये किससे संबंधित कही गई है। यदि ये कंप्लीट परिभाषा दे दी जाए आपको और पूछा जाए कि ये किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि अपचार या अपराध से संबंधित है। ठीक है बेटा, आगे देखिए। निम्न कारणों से आपराधिक प्रवृत्ति जन्म लेती है, कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे अपराध की प्रवृत्ति जन्म लेती है, अपराधी बन जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सी प्रवृत्ति है, तो देखिए ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जन्म से नहीं होता, या आप भी मानते हो लेकिन समाज के विरुद्ध आचरण भी नहीं करता, कुछ परिस्थितियाँ होती हों उसकी, इसलिए वो ये सब करता है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि इस प्रकार का कोई भी कार्य न करें जिससे आपकी शान को ठेस पहुँचे, आपके स्वाभिमान को ठेस पहुँचे, आपके मम्मी पापा के स्वाभिमान को ठेस पहुँचे, आपके समाज को ठेस पहुँचे। अच्छा कार्य करो, आगे अच्छे लक्ष्य की ओर बढ़ो। आगे देखिए, ये देखिए बेटा आगे, ये मार्कर का लगा हुआ है, थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान नहीं देना आपको। ठीक है, कि किशोरों में आपराधिक प्रवृत्ति जागृत होने के प्रमुख प्रकार, किशोरों में जो आपराधिक प्रवृत्ति है होने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। अभी हमने देखा कि निम्न प्रवृत्तियाँ होती हैं, तो कौन कौन सी होती हैं। देखिए पहला जो पॉइंट दिया हुआ है ये है बालक का मंदबुद्धि होना। मंदबुद्धि यानी बच्चे में दिमाग कम होना, जैसे आप पागल आदमी समझते हो, या छोटा बच्चा रहता है तो उसमें दिमाग नहीं रहता है कि आप क्या कर रहे हो, किसी की चीज़ उठा ली, खेल लिया, खा लिया, तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। बालक का मंदबुद्धि होना यानी उसके अंदर दिमाग कम होना। माता पिता द्वारा तिरस्कार व्यवहार, तिरस्कृत व्यवहार किसे, यानी माता पिता के द्वारा उसको नहीं अपनाया जाना, माता पिता के द्वारा नहीं अपनाया जाना। देखिए हमारे समाज में एक बहुत बुरी कंडीशन, ये चीज़ें नहीं है बेटा, इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। माता पिता द्वारा तिरस्कृत व्यवहार, तिरस्कृत व्यवहार का मतलब माता पिता के द्वारा तिरस्कार कर देना उनका, उनको नहीं अपनाना। आप देखिए हमारे समाज में एक समस्या है लड़कियों की, लड़की चाहते हैं, लड़कियां अगर हो जाती हैं तो माँ तो फिर भी नहीं, लेकिन पिता उनका तिरस्कार कर देता है कि उनको छोड़ देता है, या पिता उनको छोड़ के अन्य स्थान पर चला जाता है या दूसरी शादी कर लेता है। तो इन सभी प्रवृत्तियों से, या लड़के हैं, लड़का भी अगर कोई शरारती हो जाता है तो बाप उनको छोड़ देता है, माँ बाप उनका तिरस्कार करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें माता पिता को भी समझना है कि हम हमारे बच्चे में व्यवहार स्वयं सीखता है, ठीक है, लेकिन हमें हमारे संस्कार डालने चाहिए जिससे कि वह ऐसा कोई गलत व्यवहार न करें। हमें कभी भी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, तिरस्कार उनका नहीं करना चाहिए। मैं सभी माताओं पिताओं से कहना चाहती हूँ, बच्चों से भी कहना चाहती हूँ कि इस प्रकार का कोई व्यवहार न करें कि आपके मम्मी पापा को सर झुका के चलना पड़े, न कि सर उठा के। ऐसा कार्य करो कि वो सर उठा के चलें,
ठीक है। माता पिता के घरेलू झगड़े, देखिए घर में जो झगड़े होते हैं पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से होते हैं कुछ झगड़े, कुछ पारिवारिक परिस्थितियों में सबसे बड़ी होती है नशे की लत। मैंने आप ही कुछ देर पहले बताया कि जिस घर में जो हमारे बड़े हैं यदि वो क्या करते हैं, हमारे घर में बड़े हैं वो क्या करते हैं, नशा करते हैं, क्या करते हैं, नशा करते हैं, तो नशा करेंगे, यदि नशा करते हैं तो हमारे घर के अंदर क्या होते हैं, झगड़े होते हैं। यदि नशा करेंगे तो हमारे घर के अंदर क्या होंगे, झगड़े होंगे। इसलिए हमें नशा नहीं करना है, इसलिए हमें नशा नहीं करना है, अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरीके से करना है। झगड़ा करते हैं तो हमारे बच्चों के अंदर गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं कि हमारे घर में इस तरीके का माहौल है, ये हो, हमें क्रिएट नहीं करना है, हमें अपने बच्चों के अच्छे संस्कार देने हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो देखिए, माता पिता के आत्मीय नियंत्रण का अभाव। आत्मीय यानी प्रेम, प्रेमपूर्वक जो नियंत्रण होता है उसका अभाव। आजकल की जो जनरेशन है और आजकल का जो समाज है और आजकल की परिस्थितियाँ हैं, ये तीनों चीज़ें देखिए आप ध्यान से, कि हमारे पास ऐसे रोज़गार नहीं हैं कि हम घर बैठे पैसे कमा सकें। इसलिए मम्मी और पापा दोनों, माता और पिता हमारे दोनों वर्क करते हैं तो वो अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे भी बच्चे के अंदर ये प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। जैसे छोटे बच्चे हैं, कंपनी में जाने वाली माताएँ हैं, वो चली जाती हैं, उनको छोड़ के शाम को आती है, तो उनको जो प्यार चाहिए, जो घर में रहने वाली माता प्यार देती है, वो प्यार उनको नहीं मिल पाता है, और वो प्यार नहीं मिलने से उनके अंदर ये आपराधिक जो प्रवृत्ति हो जन्म ले लेती है, क्योंकि वो बच्चे से कंपेरिजन करते रहते हैं कि इसके पास ऐसा क्यों है, यानी इसके मम्मी पापा इतना प्यार करते हैं, इस तरीके से रखते हैं, हमारे मम्मी पापा क्यों नहीं। तो ये चीज़ें इनके लिए हैं। अगला देखिए, माता पिता की असामयिक मृत्यु, यानी असमय कोई दुर्घटना में माता पिता एक्सपायर हो जाता है या कोई कारणवश अचानक मृत्यु हो जाती है, असामयिक अचानक मृत्यु हो जाती है, तो उस समय भी बच्चे अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं या अपराध कर लेते हैं। कुछ शारीरिक दोषों के कारण हीन भावना, शारीरिक दोषों के कारण हीन भावना मतलब शरीर के दोष, हमारा जो विकास है वो सभी का एक जैसा नहीं होता है। देखिए हमारे समाज के अंदर कितने प्रकार के लोग हैं, उसमें दिव्यांगजन में भी आते हैं, हाइट में देखिए आप, मोटाई में देखिए, तो ये हीन भावना हो जाती है। हीन भावना यानी स्वयं को कमज़ोर समझना, लोगों के कमेंट्स हो जाते हैं। जैसे आपके साथ के भी बच्चे होंगे तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, जो मोटा बच्चा आता है तो उसको मोटे मोटे बोलते हो, छोटे बच्चे को नाटे बोलते हैं, अपंग है जैसे मान ले पैर नहीं है हाथ नहीं, तो हम वैसे भी उसको बोल देते हैं। ये सब चीज़ें हमारे लिए उनको अपराध की श्रेणी की ओर बढ़ाती हैं। आगे देखिए, माता पिता का अनैतिक संबंधों में लीन रहना, यानी माता पिता के जो संबंध हैं वो अनैतिक हों, जो हमारे समाज स्वीकार नहीं करता है, इन संबंधों में यदि रहते हैं तो बच्चों पर ये असर पड़ता है। दुर्जनों की संगति यानी बुरे व्यक्तियों की संगति में रहने से भी बच्चों के अंदर ये अपराधी प्रवृत्ति आ जाती है। बालकों की बौद्धिक कौशलों में कमी, यानी बच्चों को जो बुद्धि है, बौद्धिक कौशल यानी जो बुद्धि है उसके अंदर कार्य करने की जो क्षमता वो कम रहती है, या कौशल का मतलब क्या होता है आप बताइए, कौशल का मतलब क्या होता है, कार्य करना, अलग अलग कार्य करना। परिवार का उच्च या निम्न आर्थिक स्तर, यानी परिवार के स्तर पर भी डिपेंड करता है हमारी फाइनेंशियल के ऊपर, कि हमारे घर की परिस्थिति, आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, ऊँची है या निम्न है। यदि निम्न श्रेणी का बच्चा है और उसको उसके दोस्त उस श्रेणी के हैं तो उनकी तरह रहना, खाना, पहनना ये सब चाहता है, तो वो क्या करेगा, परिवार है वो ज़रूरत पूरी नहीं कर पाते हैं, वो छोटा है कमा नहीं सकता है, कोई काम पे नहीं रखेगा, तो वो क्या करेगा, जैसे चोरी की, किसी का पर्स छीना, किसी के पैसे चुराए, किसी का कुछ चुराए, इस प्रकार से। परिवार में बालक की अत्यधिक पिटाई, यानी परिवार में देखिए आप बहुत से ऐसे होते हैं जो अनपढ़ माता पिता होते हैं तो वो बच्चों को सोचते हैं कि पीटने से बच्चा समझदार हो जाता है, पीटने से बच्चा समझ जाएगा, लेकिन पीटने से बच्चा समझता नहीं है, ज़्यादा ढीठ हो जाता है, मानता नहीं है, इसलिए हमें इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। चारित्रिक शिक्षा का अभाव, यानी बच्चों को हमें शिक्षित करना चाहिए, चरित्र से संबंधित, कैरेक्टर से संबंधित भी शिक्षा देनी चाहिए,
माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चा को अच्छे संस्कार डालें, अच्छी शिक्षा दें, पास में बैठा के ये सब चीज़ें। आगे देखिए, अपराध रोकने के उपाय, यानी यदि हम मान लो हो नहीं रहे, यदि हो भी रहे हैं तो उनको किस प्रकार से रोकें, तो ये देखिए अपराध रोकने के उपाय हैं। परिवार, यानी परिवार के जो माता पिता हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सभी को अपने बच्चों के ऊपर निगाहें रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किस प्रकार का कार्य कर रहा है। विद्यालय के अंदर भी उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखा जाए। सामुदायिक संगठन बनाना चाहिए कि बच्चों की कोई समस्या तो नहीं है या किसी समस्या से जूझ तो नहीं रहे हैं। आर्थिक संगठन, यानी जितना हो सके इतना बच्चों को सुविधाएं आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहिए। आर्थिक संस्थाएं, मनोरंजन सुविधाएं, ग्रुप वर्क, ये सब होने चाहिए। ठीक है बेटा, तो देखिए एक बार इसको ध्यान से दोबारा देख लीजिए। किशोरों में आपराधिक प्रवृत्ति जागृत होने के कारण कौन कौन से कारण हैं, तो ये कारण आपको दिख रहे होंगे। देखिए, बालक का मंदबुद्धि होना, माता पिता द्वारा तिरस्कार व्यवहार, माता पिता के घरेलू झगड़े, माता पिता के आत्मनियंत्रण का अभाव, माता पिता की असामयिक मृत्यु, शारीरिक दोषों के कारण हीन भावना, माता पिता के अनैतिक संबंध। अगला देखिए, दुर्जनों की संगति, बालकों के बौद्धिक कौशलों में कमी, परिवार का ऊंच या निम्न आर्थिक स्तर, परिवार में बालक की अत्यधिक पिटाई, चरित्रिक शिक्षा, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। रोकने के उपाय हैं कि परिवार के अंदर, विद्यालय के अंदर, समुदाय के अंदर इनकी गतिविधियों पर ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को प्रेशराइज कम करें और पढ़ाई के साथ साथ उनके खेल का भी ध्यान रखा जाए। ग्रुप में कार्य दिया जाए, जैसे वर्क देते हैं 5-7 बच्चों को एक साथ बैठा कर, इससे कि वो अपने मन के भावें एक दूसरों के सामने साझा कर सकते हैं। तो ये हमारी किशोर अवस्था की समस्याएँ थी, कुछ समाधान थे। इसमें आपने ध्यान से पढ़े, दोनों लेसन एक साथ कंप्लीट पढ़ी, दोनों जो वीडियो हैं उसको साथ पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरीके से, बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, आज का जो आपका जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। इसको ध्यान से पढ़िए, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। होम साइंस में थ्योरिकल सब्जेक्ट ज़्यादा है, इसलिए ओके।